हीरो ब्रायन एक ऐसा एंटिटी जिसको माइनक्राफ्ट में हराना इम्पॉसिबल के बराबर है। बट गाइस, दिक्कत ये नहीं है कि इसको हराना इम्पॉसिबल के बराबर है, दिक्कत ये है कि हीरो ब्रायन आ चुका है मेरे वर्ल्ड के अंदर। और ये इस वर्ल्ड के अंदर कैसे आया ये तुम्हें वीडियो में आगे पता लगेगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे गांव से। मैं हर रोज की तरह अपना नॉर्मल काम कर ही रहा था और तभी रात हो जाती है, तो मैं जल्दी से अपने घर में जाता हूं और सो जाता हूं। और जैसे ही नेक्स्ट डे होता है मैं देखता हूं कि भाई रातों रात यहां पे एक बेस खड़ा हो चुका है और ये बेस काफी ज्यादा खतरनाक था। और जैसे ही मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यहाँ पे एक गाँव वाला है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ है। तो मैं इससे जाके बातचीत करता हूँ तो फिर मुझे पता लगता है कि ये एक साइंटिस्ट है और ये हीरो ब्रायन के बारे में रिसर्च कर रहा था। और ये हीरो ब्रायन के बारे में और अच्छे से रिसर्च करने के लिए हीरो ब्रायन को कैद करने की सोचता है और ये निकल जाता है हीरो ब्रायन को समन करने के लिए। बट गाइस, जैसा इसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे इसने हीरो ब्रायन को समन करा, हीरो ब्रायन वैसे ही गायब हो गया। और अभी फिलहाल ये इतना डरा हुआ है कि यहाँ पे ये एकदम से फुल रेडी है। जैसे हीरो ब्रायन इसके पास आएगा ये उससे फाइट लेगा, लेकिन भाई तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है हीरो ब्रायन इसको छोड़ने वाला नहीं है। सो इसीलिए भाई ये मेरे से मदद मांग रहा है और इसने मेरे को वो जगह बताई है जहाँ पे इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और ये इसने मेरे को बोला है कि मेरे घर में थोड़ा बहुत सामान पड़ा है, वो तुम ले सकते हो और तुम जाके इन्वेस्टिगेट करो उस जगह को और इस वर्ल्ड को फ्री कर दो हीरो ब्रायन से, वो भी 100 दिनों के अंदर। अगर मैंने 100 दिनों में हीरो ब्रायन को नहीं मारा तो वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं सब कुछ यहाँ पे समझ तो आ चुका है और ये सारी गलती इस नूबड़े बंदे की है। सो छोड़ो भाई, ये एक साइंटिस्ट है और छोटी मोटी गलतियां तो यहाँ पे होती रहती है, बट ये छोटी मोटी नहीं, काफी बड़ी गलती है। सो इसने मेरे को बोला था सामान लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं इसकी चेस्ट में देखता हूँ तो यहाँ पे पूरा आयरन की आर्मर का सेट और एक इन्फिनिटी वाला बो पड़ा था, तो फिर मैं ये सारा सामान पहन लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैं रेडी हूँ यहाँ पे उस जगह पे जाने के लिए। और भाई ये बंदा इतना डरा हुआ है, ये कह रहा है कि भाई मैं वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। ये मुझे कह रहा है अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम अकेले चले जाओ, भाई मैं वहाँ पे दोबारा नहीं जाने वाला। और तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे भाई को खतरों से खेलने की आदत है, तो फिर मैं अकेला ही निकल जाता हूँ इस जर्नी पे। तो मैं यहाँ से निकल तो जाता हूँ बट मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता थी कि इस वर्ल्ड के अंदर हीरो ब्रायन एकदम फ्रीली घूम रहा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे रात हो जाती है और जब मेरी मुलाकात होती है हीरो ब्रायन से, और भाई जैसे ही मैं उससे भाग रहा था तो उसने स्नोनेस इफेक्ट लगा दिया ताकि मैं भाग ना पाऊँ, और मैं बस ये सोच रहा था कि कहीं वो मेरे को मार ना दे, फिर मैं वहीं पे जल्दी से गड्ढा करके छुप जाता हूँ। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट डे यहाँ पे हो चुका है और भाई मैंने पूरी रात यहाँ पे गड्ढे में बिता दी क्योंकि भाई मेरे को वहाँ पे वो हीरो ब्रायन दिखा था जिससे मेरे को काफी ज्यादा डर लगा। और ये पहली मुलाकात थी मेरी हीरो ब्रायन के साथ, और जब मैं वहाँ पे जाके दोबारा देखता हूँ वो वहाँ पे नहीं होता। और फिर इस चीज को देख के मुझे ये पता लग जाता है कि हीरो ब्रायन रात में तो मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला और दिन में मैं थोड़ा बहुत सेफ हूँ। सो फिर मैं वापस से निकल जाता हूँ उस जगह की तलाश में। तो जैसे ही मैं उस जगह पे पहुंचा मैंने देखा वहाँ पे ट्रीज गंजे है, मतलब कि वहाँ इस पे लीव ही नहीं है और पूरा जंगल ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे पहले ऐसे देखकर तो मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा था, बट भाई मेरे को उस बंदे की मदद तो करनी पड़ेगी। सो मैं जोखिम उठा के इस बायोम में निकल जाता हूँ और थोड़ा सा आगे मेरे को हीरो ब्रायन घूमता हुआ नजर आ रहा था और मेरे को काफी ज्यादा लग रहा था। और भाई वो मेरे को ऐसे देख रहा था कि मानो मुझे खा ही जाएगा। भाई मेरे को उससे काफी ज्यादा डर लग रहा था, तो मैं उससे दूर भागता हूँ और मैं वो जगह ढूंढने लग जाता हूँ जहाँ पे उस प्रोफेसर ने एक्सपेरिमेंट करा था। और उस जगह को मैं ढूंढ रहा था, एकदम से मेरे पीछे हीरो ब्रायन पड़ जाता है और एकदम से मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। ओ भाई, मेरे को अब कुछ भी नहीं दिख रहा था और ऊपर एक बार आसमान को देखो, मानो कि यहाँ पे पता नहीं क्या ही हुआ हो। देख रहे हो यहाँ पे रात हो रही है लेकिन अभी भी यहाँ पे सन निकला हुआ है और मेरे आसपास हीरो ब्रायन कहीं पे भी हो सकता है। ओके, फाइनली सब नॉर्मल हुआ। और भाई मैं एक बार को तो डर ही गया था कि हीरो ब्रायन मेरे को मारने वाला है। थोड़ी देर के बाद मुझे वो जगह तो वहाँ पे दिख जाती है और मैं जल्दी से भाग के उस जगह के पास जाता हूँ और मुझे जब दिखता है कि इस बंदे ने यहाँ पे हीरो ब्रायन को कैसे समन करा है। और भाई तुम देख सकते हो इसने यहाँ पे पूरा रिचुअल करके हीरो ब्रायन को समन करने की कोशिश तो करी थी, बट वो उसके चंगुल से भाग चुका है और अब मुझे नहीं पता मैं इस वर्ल्ड को कैसे ही बचा पाऊंगा। और भाई ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ पे हीरो ब्रायन पक्का है। ओ शिट, भाई वो दिख रहा है तुम्हें, उसका ध्यान नहीं है बट वो घूम रहा है भाई पूरे वर्ल्ड में खुला, वो देखो वो देख लिया उसने। हाँ, सो मेरे को कंफर्मेशन तो मिल चुकी थी कि हीरो ब्रायन का साया इस वर्ल्ड में आ चुका है। फिर मैं जल्दी से दौड़ता हुआ अपने विलेज में वापस जाता हूँ। सो जैसे ही मैं अपने विलेज में वापस पहुंच जाता हूँ
वैसे ही वहाँ पे रात हो जाती है और फिर मेरे को कुछ ऐसा दिखता है जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था। हीरो प्राइन मेरा पीछा करते करते मेरे विलेज तक आ चुका था और वो मेरे पीछे ऐसा पड़ा था और मैं डर चुका था। और फिर पता नहीं इस डोंकी को क्या होता है, ये मेरे को एकदम से मारने लग जाता है। मेरी होप थी आयरन गोलम यही मुझे इनसे बचा सकता है और ऐसा होता भी है। भाई ये डोंकी यहाँ पे पागल हो चुके थे, भाई ये एनिमल्स हीरो प्राइन के कंट्रोल में आ चुके थे और इनकी आंखें एकदम से व्हाइट थी। ये मेरे को मार ही रहे थे, जब मैं सामने देखता हूँ कुछ और हॉर्सेस ऐसे हो रखे थे और इससे पहले कि ये मेरे को मारने आए, ओ भाई ओ शिट, तुमने देखा भाई यहाँ पे हीरो प्राइन आया मेरे सामने और गायब हो गया। भाई ये क्या हो रहा है, शिट भाई इससे पहले हीरो प्राइन मारे मैं घर जा रहा हूँ। और हीरो प्राइन ने इस विलेज में भी अपना कैर उठाना शुरू कर दिया था। ओ भाई ये कौन है, भाई ये कौन मार रहा है। और भाई तुम जैसा कि देख सकते हो ये एनिमल्स हीरो प्राइन के कंट्रोल में है और ये मेरे को मार रहे हैं। और इससे पहले कि ये लोग मेरे को मारे मैं यहाँ पे जाके सो जाता हूँ। ओके भाई नेक्स्ट डे हो चुका है। ओ भाई ये अभी भी वहाँ पे है भाई, वो देख रहे हो हीरो प्राइन वो खड़ा है और हीरो प्राइन मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। सो इसको इग्नोर करके मैं जाता हूँ वापस उस प्रोफेसर के पास बातचीत करने की हमको आगे क्या करना चाहिए। तो फिर मैं आता हूँ प्रोफेसर के पास और ये अभी भी यहाँ पे रखवाली कर ही रहा था और फिर मैं इससे बातचीत करता हूँ कि हमको आगे क्या करना चाहिए। ऑल राइट गाइज, ये मुझे बता रहा है कि इससे फाइट लेने के अलावा हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात सुन के मेरे को इतना गुस्सा आता है, मन तो करता है इसे यहीं खत्म कर दूं, बट इसके बिना मैं हीरो प्राइन को बिल्कुल नहीं हरा सकता क्योंकि सारी जानकारी मेरे को यही बताएगा। सो ये मुझसे कहता है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत पावरफुल होना पड़ेगा, आयरन के आर्मर में तो तुम इसे बिल्कुल नहीं मार सकते। सो इसकी बात सुन के मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे थोड़ी बहुत माइनिंग पे और मैं अपने लिए एकदम परफेक्ट माइनिंग बेस बनाता हूँ। माइनिंग बेस बनाने के बाद मैं यहाँ पे सीधे माइनिंग करना स्टार्ट देता हूँ और इस बीच मेरे को काफी सारी चीजें मिलती है और भाई मेरे पहले डायमंड मेरे को काफी ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं जो कि मेरे को सीधे आयरन के नीचे मिलते हैं। और इसी के साथ मेरे पहले डायमंड मेरे को मिल जाते हैं। 5 डायमंड मिलने के बाद मेरे मन में एक आइडिया आता है जिससे कि मैं अपने डायमंड्स बचा सकता हूँ और फिर मैं पहले 10 डायमंड की एक पिकैक्स बनाता हूँ और फिर ढूंढने लग जाता हूँ यहाँ पे एक माइन जो कि यहाँ पे आसपास मेरी सीढ़ियों में कहीं थी क्योंकि मेरे को आवाज तो यहाँ पे काफी ज्यादा आ रही थी। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हीरो प्राइन आ जाता है और ये फिर से मेरे को अपने वही वाले इफेक्ट लगाता है और इसके अंदर से जितना खतरनाक आवाज आ रही थी तो और फिर मैं वापस उल्टा मुड़ता हूँ और जल्दी से इस केव को बंद कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस अपने गड्ढे को खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हीरो प्राइन तो जा चुका है, बट हीरो प्राइन के आने से मुझे इतना तो पता लग चुका था कि यहाँ पे रात हो रही है तो इसलिए मैं जब भी सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे मैं दोबारा से ढूंढने लग जाता हूँ लावा। फाइनली हीरो प्राइन के जाने के बाद मैं यहाँ से थोड़े बहुत ऑब्सीडियन कलेक्ट करता हूँ और फिर 14 ऑब्सीडियन और एक डायमंड की पिकैक्स लेके मैं निकल जाता हूँ अपनी केव से वापस बाहर। बाहर आके मैं काफी दिनों तक सिर्फ वुड कलेक्ट करता हूँ। मैं वुड कलेक्ट कर ही रहा था जब भी मैं देखता हूँ एक अजीब सा स्ट्रक्चर और फिर मैं जल्दी से भाग के इसके पास जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये हीरो प्राइड का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक रेडस्टोन टॉर्च लगी हुई है। तो ये देख के मैं काफी डर गया था। तो फिर मैं वापस भाग के अपनी विलेज में चले जाता हूँ और फिर मैं वुड माइन करना बंद कर देता हूँ और फिर मैं जाता हूँ वापस प्रोफेसर के घर में और जितना भी मैंने सामान इकट्ठा करा था ये सारा इसकी चेस्ट में डाल देता हूँ। और मैंने काफी सारी वुड माइन तो कर ली थी, सो फिर इससे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आधी चेस्ट बनाता हूँ जिससे कि मैं इसको डबल चेस्ट बना सकूं और फिर अपनी सारी वुड मैं इस चेस्ट में डाल देता हूं और फिर मैं निकल जाता हूं थोड़े बहुत शुगर केन्स कलेक्ट करने। और मेरे को थोड़े बहुत शुगर केन्स मेरे विलेज के बगल वाली लेक से ही मिल जाते हैं। ओ भाई ये क्या हुआ, और फिर एकदम से हीरो प्राइन का हमला मेरे पे दोबारा से होता है। आई थिंक वो क्या, ओ भाई तुमने देखा अभी हीरो प्राइन आया था। भाई मैं भाग रहा हूं वापस विलेज में और थोड़ी देर के बाद सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है, बट मेरे को यहाँ पे इतना डर लग रहा था कि फिर मैं वापस जाता ही नहीं हूँ। और मेरे को जंगल के अंदर हीरो प्राइन दिख रहा था जो कि मेरे को ऐसे घूर के देख रहा था मानो ही जाएगा। और फिर उस जंगल से दूर मैं चले जाता हूँ इस डायरेक्शन में और इस जंगल में थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को दिखता है एक अननोन हाउस और यहाँ पे रात भी हो रही थी तो हीरो प्राइन के डर से मैं इस घर की तरफ निकल जाता हूँ और तभी मेरे पे अटैक होता है हीरो प्राइन का। ओ भाई कितनी तेज है मेरे पीछे आ रहा है, भागो। ओ शिट, और जैसे ही मैं इस घर के अंदर आता हूँ मेरे को एक अजीब सा इफेक्ट लग जाता है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। ओके तो इफेक्ट यहाँ पे हट चुका है और इस घर के अंदर मेरे को मिलती है एक सैडेड और एक म्यूजिक प्लेस और यहाँ पे एक और चेस्ट होती है जिसके अंदर मेरे को थोड़ा बहुत आयरन और एक और डस्ट मिलती है और थोड़ी बहुत और म्यूजिक डेस्क। और जैसे ही मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ मेरे को यहाँ पे एक बेड दिखता है तो चुपचाप मैं जाके सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे मैं थोड़ी बहुत और लूट करता हूँ और फिर मैं इस हाउस को छोड़ के निकल जाता हूँ वापस अपने घर की तरफ। और मेरे को काफी सारा ले जाता चाहिए था रास्ते में मैं सोचता हूँ कुछ काउस को मारने का, बट जैसे ही मैं इधर आता हूँ मैं देखता हूँ कि ये काउस तो यहाँ पे हीरो प्राइन के वश में है और ये मेरे को मारने को आ रही है। फिर मेरे को इनको मारना पड़ता है नहीं तो ये मुझे मार देगी।
तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही मैं अपने बेस पे वापस आता हूँ तो मैं लग जाता हूँ यहाँ पे एक शुगर केन का फार्म बनाने। बट जब भी मेरे से प्रोफेसर कहता है कि तू ये सब क्यों कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये पागल हो चुका है, तो फिर मैं इससे कुछ बातचीत करके आता हूँ। ऑल राइट भाई, ये मुझे कह रहा है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, तुझे ये बात नहीं पता क्या? ये सब चीजें जो तू इकट्ठी कर रहा है इनकी जरूरत मेरे को भी पड़ती है। एन्चेंटमेंट टेबल और एन्चेंटमेंट बुक्स वगैरह तो मेरे पे स्टॉक के स्टॉक पड़े रहते हैं, तूने मेरे से पहले क्यों नहीं मांगी ये सब चीजें? और ये मुझे कह रहा है भाई इसके घर में ये सब कुछ पड़ा है, मैं फालतू में यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा था, यहाँ पे शुगर केन ढूंढ के लाया, एक्सप्लोरिंग करी, और ये सारी मेहनत मेरी वेस्ट जा चुकी है। और फिर रात भी हो ही रही थी तो हीरोप्रेन के डर से मैं चुपचाप जाके इसके घर में सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे एन्चेंटमेंट टेबल और बुकशेल्फ काफी सारी पड़ी थी, प्लस इसने मुझे बताया था कि इसके एनविल के नीचे एक सीक्रेट बैरल है जिसके अंदर इसने काफी सारी बुक्स छुपा के रख रखी है। सो भाई मेरा काम यहाँ पे काफी ज्यादा इजी हो चुका है। और ये बंदा कह रहा है तुझे जो भी करना है तो जल्द से जल्द कर, क्योंकि हीरोप्रेन का आतंक इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा फैल चुका है। सो फिर मैं इसके सीक्रेट बैरल में से फॉर्चून की बुक ढूंढने लग जाता हूँ और मेरे को एक बुक मिल भी जाती है। सो फिर ये फॉर्चून की बुक निकाल के और फिर अपनी पिकेक्स में फॉर्चून एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग 3 लगा देता हूँ। और अभी मेरी पिकेक्स बन चुकी थी एकदम से बीस्ट पिकेक्स और अभी मैं रेडी था डायमंड माइनिंग के लिए। सो फिर मैं दोबारा से निकल जाता हूँ अपनी उसी वाली टनल से माइनिंग करने और फिर काफी दिनों तक मैं सिर्फ माइनिंग करता हूँ। और इस माइनिंग के जर्नी में मेरे को जो मिलता है मैं सब कलेक्ट करता हूँ। थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पे एक रवीन मिल जाती है। माइनिंग करते करते रात हो जाती है तो मैं वापस आके सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे मैं वापस निकल जाता हूँ अपनी उसी केव में और जैसे ही मैं केव में पहुंचता हूँ मेरे सामने खड़ा था हीरोप्राइन। उसको देख के मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ और मैं सीधे भागने लग जाता हूँ। बट फिर तभी हीरोप्राइन के सामने मेरा सामना होता है और हीरोप्राइन को देख के मैं अपने आप को कवर कर लेता हूँ। और तभी मुझे रियलाइज होता है कि मेरा खाना यहाँ पे खत्म हो चुका है। सो फिर मैं माइन से वापस बाहर निकलता हूँ और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ मेरे पीछे पीछे हीरोप्राइन भी आ रहा था। सो उसको देख के मैं और ज्यादा डर जाता हूँ। फिर मैं भाग के जाता हूँ सीधे अपने बेस पे सोने। नेक्स्ट डे मैं विलेज से थोड़ी बहुत हेबेल चुराता हूँ और इन सब की ब्रेड बना के मैं निकल जाता हूँ वापस माइनिंग पे। और फिर वापस आने के बाद मैं वापस उसी रवीन में जाता हूँ और फिर थोड़ी सी दूर मेरे को हीरोप्राइन दिखता है बट उसी के साथ में मेरे को डायमंड्स भी दिखते हैं। तो फिर मैं पहले तो इस केव को बंद करता हूँ और फिर साइड में से माइन करते हुए निकल जाता हूँ डायमंड के पास। और काफी कठिनाइयों के बाद फाइनली मैं डायमंड के पास पहुंच जाता हूँ और मैं निकाल लेता हूँ वहां से सारे डायमंड्स। और फिर मैं जैसे ही डायमंड लेता हूँ वैसे मेरे पीछे हीरोप्लेन आता है बट मैं इस रास्ते को बंद कर देता हूँ। और मैंने सिर्फ यहाँ पर डायमंड के 8 और तोड़े थे और मेरे को मिल चुके थे पूरे 19 डायमंड्स। तो फिर मैं इसी रास्ते पे थोड़ा सा और आगे जाता हूँ और तभी मेरे को थोड़ा बहुत लैपिस मिलता है जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बगल में मेरे को थोड़े से और डायमंड मिलते हैं जो कि मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मेरे पास हो जाते हैं पूरे 26 डायमंड्स। और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलने की सोचता हूँ मेरे आगे पूरे 2-2 हीरोप्राइन खड़े थे और ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने एक साथ 2-2 हीरोप्राइन देखे थे। तो फिर थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मेरे को कुछ और डायमंड्स दिखते हैं जिनको मैं फटाफट माइन करता हूँ। और अभी मेरे पास पूरे 36 डायमंड हो चुके थे। फिर मैं सीधे निकल जाता हूँ वापस अपने बेस की तलाश में। यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं सीधे भाग के जाता हूँ अपने बेस में। और बेस में आने के बाद सबसे पहले तो मैं अपना सारा कूड़ा इसकी चेस्ट में डाल देता हूँ और फिर मैं बनाता हूँ अपने लिए एकदम फ्रेश डायमंड का सेट। ऑलराइट गाइस, अभी मैं पूरा अपग्रेड हो चुका हूँ डायमंड्स में, प्लस मेरे 6 डायमंड यहाँ पे बच भी चुके हैं। सो फिर मैं अपना पुराना आर्मर निकालता हूँ और डाल लेता हूँ अपना डायमंड का आर्मर। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रांग महसूस कर रहा था बट प्रोफेसर मेरे को कहता है कि इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। सो फिर मैं जाता हूँ प्रोफेसर की खुफिया किताबों में, यहाँ से मैं निकालता हूँ अपने काम की कुछ किताबें और फिर इन किताबों को अपने आर्मर पे लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ी बहुत बुक्स लगाने के बाद मेरी एक्सपी यहाँ पे खत्म हो जाती है और मेरे पास यहाँ पे फुल प्रोटेक्शन 4 और एक शार्पनेस 5 की स्वॉर्ड आ चुकी थी। और अभी मैं काफी ज्यादा पावरफुल तो हो चुका था बट प्रोफेसर अभी भी कह रहा था कि तुम हीरोप्रेन के सामने एक मच्छर के बराबर हो। सो फिर मैं निकल जाता हूँ वापस अपनी माइन में थोड़े बहुत मॉब्स मारने ताकि मैं थोड़ी बहुत और एक्सपी कलेक्ट कर सकूं। और कुछ दिनों के बाद मेरा लेवल 24 हो जाता है तो मैं वापस अपनी केव से बाहर निकल जाता हूँ। और जब मैं बाहर आया जब रात हो रही थी और तभी एक और बार मुझे हीरोप्रेन दिखता जो भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मैं काफी ज्यादा पावरफुल था बट वापस से मुझे प्रोफेसर की बात याद आ जाती है तो मैं चुपचाप अपने बेस में जाके सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे जैसे ही मैं उठता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरे बेस के बाहर हीरोप्राइन खड़ा था। इसको देख के मैं डर के वापस अपने बेस में आ जाता हूँ और चुपचाप अपनी एन्चेंटमेंट्स करनी स्टार्ट कर देता हूँ। जब मैं एन्चेंटमेंट्स कर रहा था जब मैं देखता हूँ कि मेरे बेस की वॉल कोई तोड़ रहा है। कुछ दिनों के बाद मेरी एन्चेंटमेंट्स यहाँ पे काफी ज्यादा ठीक ठाक हो जाती है, मेरे को अपने सारे टूल्स में ठीक ठाक एन्चेंटमेंट्स मिल जाती है और मेरे पे एक एफिशिएंसी 5 की
बुक बच जाती है जो कि मैं चुपचाप इसके चेस्ट में वापस डाल देता हूँ। और अभी मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और फिर मैं अपने चेस्ट में से ऑब्सिडियन निकालता हूँ नेदर में जाने के लिए। और कुछ दिनों पहले हीरो प्राइन मेरे बेस के गेट पे आ गया था। सो हीरो प्राइन के डर से मैं अपने बेस से बाहर जाता ही नहीं हूँ। और जैसे ही मैं अपने बेस की बैक साइड पे आता हूँ, जब मुझे पता लगता है कि सच में यहाँ पे कोई आया था और जिसने यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करी है, और इस चीज को देख के मैं इतना ज्यादा डर जाता हूँ, फिर मैं वापस अपने बेस के अंदर ही चले जाता हूँ। वैसे ही मेरे पास आती है एक और चिकन जो कि मेरे को मार रही थी क्योंकि ये हीरो प्राइन के वश में थी। फिर मैं अपने बेस को रिपेयर करता हूँ और इधर ही मैं बना देता हूँ अपने लिए एक पोर्टल। पोर्टल बनने के बाद फिर मैं प्रोफेसर से जाके बात करता हूँ और ये मुझे कहता है कि हीरो प्राइन के सामने अभी भी तू मच्छर के बराबर है। तो भाई इसकी ये बात सुनकर तो मैं काफी ज्यादा निराश हो जाता हूँ, बट मैं डिसाइड करता हूँ अगले पार्ट में मैं हो जाऊंगा काफी ज्यादा ओवर पावर्ड। सो बस गाइस आज के साल वीडियो में इतना ही। अब तुम्हें आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।